नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। छोटेलाल भाई ने कहा कि तन का योग मन का राजयोग। सरकारी बसों में महिलाओं का हुजूम अत्यधिक। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने ब्रांड बनाने के लिए बेंगलुरु का दिमाग चुना। केंद्र द्वारा चावल देना बंद करने का दावा कर लोगों को गुमराह कर रही कांग्रेस भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य का बयान। कर्नाटक में सड़क दुर्घटना में दो की मौत, साधु घायल। भारत के लोग सामूहिक बल से हर चुनौती का हल निकाल लेते हैं, मन की बात में बोले पीएम। बुरके में परीक्षा देने की मनाही, कॉलेज प्रशासन पर छात्राओं ने लगाया आरोप, गृह मंत्री अली बोले होगी कार्रवाई। देखते हैं समाचार विस्तार से। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय राजस्थान माउंट आबू के बीके छोटेलाल भाई ने कहा कि शरीर के लिए योग और प्राणायाम जितना जरूरी है, दिमाग को मजबूत रखने के लिए राजयोग जरूरी है। शहर के शिवनगर पुटपथ स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग केंद्र पावन धाम की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि तन और मन दोनों स्वस्थ होंगे तो हमारे विचार सकारात्मक होंगे। उन्होंने कहा कि अच्छी प्रेरणा और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना संभव है। जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए योग जरूरी है। यह हमारे कर्म इंद्रियों को नियंत्रित करता है। उन्होंने कहा कि भय, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि विकारों से जो हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, उन्हें दूर करने के लिए राजयोग शिविर आवश्यक है। राजयोग शिविर में हमारे मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य में व्यापक सुधार संभव है। छोटेलाल भाई ने कहा कि योग कई पुरानी बीमारियों का रामबाण इलाज है। समारोह की अध्यक्षता करने वाले ब्रह्मा कुमारी केंद्र पवन धाम की निदेशक बीके प्रतिमा बहन जी ने कहा कि ईश्वर शक्ति और गुणों का सागर है। जब हम उनके साथ योग करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक तरंगे और योगिक गुण उत्पन्न होते हैं। ये मनुष्य के संपूर्ण जीवन को योगमय बना देते हैं। उन्होंने कहा कि नित्य राजयोग में एक उदास व्यक्ति के लिए संभव है कि उसके हृदय में एक आत्मा हमेशा ज्योति की तरह चमकती रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा शक्ति योजना के अमल में आने के बाद से महिलाएं मात्र सरकारी बस से ही यात्रा कर रही है, जिससे बसों में खासा हुजूम देखने को मिल रहा है। आज रविवार रहने के कारण शहर के जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख रहे बस स्टैंड में महिलाओं की अधिक संख्या देखने में आई। सभी महिला बस का इंतजार करते नजर आई। वहीं बसों में महिलाओं का हुजूम बढ़ता जा रहा है। आज हर महिला मात्र बस में सफर करने से ऑटो और निजी वाहन मालिकों को कठिनाई का सामना करने पड़ रहा है। कैमरामैन संतोष की कवरेज। कर्नाटक स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के भाल्की तालुक के नए अध्यक्ष के रूप में आज नियुक्त किए गए जयराज जाप शेट्टी, इस मौके पर उन्हें हार्दिक बधाई दी गई। इस मौके पर डीके गणेश, बीजी संतोष, केपी न्यूज रिपोर्टर सैमुअल, कर्नाटक स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। भाल्की से सैमुअल की रिपोर्ट। प्रधान कार्यदर्शी शिवकुमार स्वामी और प्रियरू आत्मीयराद दृष्टि पत्रिका संपादक चंद्रकांत पाटील और प्रियर गणपति भोचरे सर और जयराज दापशेट्टी अन्नोरे, नम बीजी पाटील, नम सहोदर देवेंद्र शंभु स्वामी सहोद्योगी इवत्तु ओंदु संतोषद दिन, याकंद्रे नान जन्मिसिद्दु बाल्की तालूकदल्ले। नानु जिल्ला अध्यक्षनाद मेले फस्ट सभे तगोतिद्दु बाल्कियल्ले, सो बहळ संतोष अनिस्ता इदे। आदरू सह इन्न स्वल्प जन ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಇವತ್ತು ಅಮಾಸಿ ಒಂದಿದೆ, ಇನ್ನಿತರ ಒಂದು ಏನೇನು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನ್ಸು ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಶಕ್ತಿ ಹ್ಯಾಂಗ ಬರ್ತದ? ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದ? ಹಂಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬಿಡಿಸ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಅವರಾದ್ನಲ್ಲೊಂದು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೀತು, ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ. देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। उप मुख्यमंत्री और बेंगलुरु के विकास मंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि जनता के सुझावों के लिए एक वेबसाइट बनाई जाएगी और ब्रांड बेंगलुरु के लिए एक खाका और एक मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। ब्रांड बेंगलुरु के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बॉल रोलिंग सेट करने के लिए 6 महीने में काम शुरू किया जाएगा। मंगलवार को शहर के प्रमुख हस्तियों से बातचीत के बाद वेबसाइट की होस्टिंग और कमेटी का गठन किया जाएगा।
शिव कुमार ने उद्योग के प्रमुखों, पूर्व मुख्यमंत्रियों, खेल हस्तियों और शहर के नागरिक विशेषज्ञों सहित 42 प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ लगभग 3 घंटे तक बंद कमरे में बैठक करने के बाद मीडिया के सामने खुलासा किया। बेंगलुरु के सभी विधायकों से भी सुझाव मांगे गए। वेबसाइट जल्द ही लॉन्च की जाएगी और मुद्दों को हल करने और ब्रांड बेंगलुरु के निर्माण पर काम करने के लिए सार्वजनिक सुझाव मांगे जाएंगे। योजना मौजूदा वित्तीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। तो वहीं शिव कुमार ने कहा कि समिति में अधिकारी, उद्योग प्रमुख और निर्णयकर्ता शामिल होंगे। किरण मजूमदार, कार्यकारी अध्यक्ष और बायोकॉन लिमिटेड और बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड के संस्थापक भाजपा सांसद डीवी सदानंद गौड़ा, वंडरला के प्रबंध निदेशक अरुण के चित्तीलीपल्ली, गीतांजलि किर्लोस्कर एमडी किर्लोस्कर सिस्टम्स प्रेस्टीज ग्रुप के चेयरमैन और एमडी इरफान रजाक और निखिल कामत सह संस्थापक जेरोधा बैठक में शामिल होने वालों में से थे। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ये दावा कर गुमराह कर रही है कि केंद्र सरकार ने नियमों और विनियमों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर चावल देना बंद कर दिया, जिससे सरकार की अन्ना भाग्य योजना में बाधा आ रही है। हमने एफसीआई और केंद्र से अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। तत्काल एफसीआई के क्षेत्रीय कार्यालय ने पत्र लिखकर कहा कि हमारे पास अनुमति है। फिर केंद्र ने बैठक कर नियमों में बदलाव किया और कहा कि वो अतिरिक्त चावल नहीं देगी। एक और आरोप लगाया गया है कि निजी खरीद की अनुमति दी गई है और राज्य सरकार द्वारा खरीद बंद कर दी गई है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि 8 जून को दिल्ली में एक विशेष अंतर मंत्रालयीय बैठक आयोजित की गई थी, इससे पहले कि राज्य सरकार ने एफसीआई क्षेत्रीय कार्यालय से अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। एफसीआई के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा चावल प्राप्त करने की अनुमति दिए जाने के कुछ दिन पहले बैठक आयोजित की गई थी। पता चला कि मंडियों में गेहूं की कीमत में 8% की बढ़ोतरी हुई है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में कर्नाटक चुनाव से पहले 2 मई को हुई एक बैठक में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए खुले बाजार में बिक्री योजनाओं पर गौर करने के सुझाव दिए गए थे। बेलागवी तालुक के होसा इड्डा होंडा गांव के मुप्पिना मटके कड़ा सिद्धेश्वर स्वामी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ट्रक ने पीछे से एक कार को टक्कर मार दी और कार ने आगे चल रहे एक लॉरी को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस शनिवार को बेलागवी तालुक में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर होनागा गांव के पास की घटना है। मृतकों की पहचान केरी तालुक के परकनट्टी गांव निवासी पंचाक्षरी बसैया हिरेमठ और कोल्हापुर जिले के बचली गांव निवासी पांडुरुंग मारुति जाधव के रूप में हुई है। गंभीर हालत में साधु का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक और संत दोनों मारुति ऑल्टो 800 में यात्रा कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार नेशनल हाईवे 48 पर हटरगी से बेलगावी की ओर तेज गति से आ रहे एक मालवाहक ट्रक ने बैरेली गांव पुल के पास कार को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार आगे चल रही लॉरी से टकरा गई, जिससे चालक व कार की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में कार में सवार कड़ा सिद्धेश्वर स्वामी के माथे, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आई। उन्हें आगे इलाज के लिए बेलगावी के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित किया। काकती पीएसआई मंजुनाथ हुलाकुन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। काकती थाने में मामला दर्ज किया गया। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482129।
विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 1800123947। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलोर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज वो नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहां पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टेक्ट नंबर
8861620775 8495875175। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। मन की बात के 102वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश विकसित होने की राह पर है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस राह में सभी भारतीयों का योगदान है। उन्होंने कहा कि भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है और हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि अपनी संस्कृति और परंपराओं को बिना भुलाए भी आगे बढ़ा जा सकता है और पूरी दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चला जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की जनता का सामूहिक बल सभी समस्याओं को पराजित कर देता है। पिछले दिनों गुजरात में आया चक्रवात तूफान इस बात का प्रमाण रहा है कि कैसे एक साथ मिलकर हौसले के साथ हमने तूफान को हरा दिया। उन्होंने कहा कि चक्रवात ने जो भी तबाही मचाई है उससे भी पीड़ित लोग जल्द ही उबर जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं होता, लेकिन बीते सालों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है वो आज एक उदाहरण बन रही है। पीएम मोदी ने कहा कि जब नीयत साफ हो और मजबूत इरादे हो तो तब सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसी बड़े लक्ष्य में से एक है टीबी का रोग। उन्होंने कहा कि हमने एक संकल्प लिया है कि साल 2025 तक भारत को टीबी रोग से मुक्त किया जाए। हालांकि लक्ष्य बड़ा है, लेकिन इसे हम निश्चित रूप से हासिल करते रहेंगे। इससे पहले हम भारत को पोलियो मुक्त कर चुके हैं, तो मुझे विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। हैदराबाद के संतोष नगर के केविन रंगारेड्डी कॉलेज में छात्राओं को कथित तौर पर बुर्का पहनकर परीक्षा देने से मना कर दिया गया। छात्राओं ने इस बाबत आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में बुर्का उतारने के बाद ही एंट्री मिली। पूरे मामले की निंदा करते हुए तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली ने आश्वासन दिया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने छोटे कपड़े पहनने को लेकर महिलाओं को नसीहत देते हुए कहा कि अगर महिलाएं कम कपड़ों में होंगी तो उनके साथ समस्या हो सकती है, लेकिन अगर महिला पूरे कपड़े पहनती है तो उन्हें लोग इस पर कुछ नहीं कहेंगे। गृहमंत्री महमूद अली ने कहा कि हो सकता है कि किसी हेडमास्टर या किसी के द्वारा ऐसा किया गया है, लेकिन हमारी नीति पूरी तरह सेक्युलर है। राज्य में लोग जो चाहें पहन सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बुर्का नहीं पहना जा सकता। स्कूल में किए गए इस हरकत पर हम एक्शन लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, यूरोपियन कपड़े भी पहनना सही नहीं है। महिलाओं को खासकर इसका ध्यान देना चाहिए, हमें अपनी सांस्कृतिक ड्रेस की इज्जत करनी चाहिए। कॉलेज प्रशासन पर एक्शन लेने की बात बोलते हुए उन्होंने कहा कि कॉलेज में बुर्का पहनकर जाने पर कोई रोक नहीं है। दरअसल केवी रंगारेड्डी कॉलेज प्रशासन पर मुस्लिम छात्राओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि परीक्षा के दौरान एग्जामिनेशन हॉल में उन्हें बुर्का पहनकर नहीं जाने दिया गया। प्रशासन ने उन्हें कहा कि परीक्षा हॉल में जाने से पहले बुर्का उतारना होगा, हालांकि परीक्षा के बाद बुर्का पहन सकते हैं। इसके बाद छात्राओं ने बुर्का उतारकर परीक्षा दी और फिर बाहर आकर उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज अभियान के जरिए बिहार की राजनीति में अपनी पहचान बनाने में जुटे प्रशांत किशोर ने शनिवार को फिर से बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव तय समय से पहले होंगे, नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर लोगों को राजनीति की थोड़ी बहुत समझ है तो सभी जानते हैं कि देश का कानून लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से कोई नहीं पूछ रहा है कि राज्यसभा में आज उपसभापति कौन है। आज राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के हैं। अगर नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया है तो इस पद को छोड़ क्यों नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल 2015 में बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया था, उसके बाद 2017 में वो लोगों को ठग कर भाग गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने भारतीय रेलवे की बिगड़ी हालत को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि एसी कोच का टिकट बुक करने के बाद भी लोगों को बैठने या सोने के लिए सीट नहीं मिलती। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि ट्रेनों में एसी और स्लीपर कोच की हालत जनरल डिब्बे से भी बदतर हो गई है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, अच्छी खासी चलती हुई रेलवे का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आज एसी कोच का भी अगर आप रिजर्वेशन लेंगे तो आपको बैठने या सोने के लिए सीट नहीं मिलेगी। एसी और स्लीपर कोच जनरल से ज्यादा बदतर हो गई है। इन्हें सरकार चलानी ही नहीं आती, इन्हें समझ ही नहीं है। अनपढ़ सरकार है, हर क्षेत्र को बर्बाद कर रही है। ट्रेन की बिगड़ी हालत पर केजरीवाल ने कई सारे ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें सोशल मीडिया यूजर्स ने शिकायत की है, जैसे भीड़भाड़, अनुपलब्ध सीटें, एसी काम न करना और टीटीई द्वारा किसी की शिकायतों का जवाब नहीं देना। ज्यादातर ट्वीट्स में कहा गया है कि एसी कोच को जनरल कोच की तरह बनाया गया है। महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस की बैठक में आज जमकर कुर्सियां चली। बताया जा रहा है कि आज महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस की बैठक दोपहर 2 बजे से थी।
ये बैठक महाराष्ट्र कांग्रेस मुख्यालय दादर के तिलक भवन में थी। बैठक में राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास और महाराष्ट्र पीसीसी अध्यक्ष नाना पटोले भी मौजूद थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने मौजूदा महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल राउत नितिन राउत के बेटे को हटाने की बात कही, जिससे नाराज होकर कुणाल राउत समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए। बैठक में कुणाल राउत के समर्थक और दूसरे पक्ष के नेताओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते कुर्सियां चलने लगी और नेता आपस में एक दूसरे के साथ मारपीट पर उतर आए। कांग्रेस की भरी बैठक में हंगामे से नाराज होकर राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास वहां से निकल गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी। इस घटना को प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने गंभीरता से लेते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही। समाचार एजेंसी अल जजीरा ने शनिवार को ये जानकारी दी है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से दो टूक कहा है कि यूक्रेन रूस के बीच चल रहा युद्ध जैसे भी हो अब समाप्त होना चाहिए। रामफोसा ने शनिवार को सेंट पीटर्सबर्ग में 18वीं सदी के पैलेस में कहा कि इस युद्ध का अंत होना चाहिए, इसे बातचीत और कूटनीतिक माध्यम से जैसे भी हो अब सुलझाया जाना चाहिए। सिरिल रामफोसा ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की जिसमें 7 अफ्रीकी नेता शामिल थे। इस बैठक में उन्होंने एक बहुत स्पष्ट संदेश के साथ कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध को अब समाप्त करना होगा। यूक्रेन और रूस के संघर्ष में अफ्रीकी शांति मिशन को जारी रखने के लिए रामफोसा शनिवार को रूसी संघ के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे थे। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी पीएम मोदी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए बेहद उत्सुक नजर आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी विभिन्न एजेंसी और सदस्य देशों ने कहा कि वे 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अगले सप्ताह यहां आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र की अगुवाई करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना मोहम्मद की भी योग में दिलचस्पी। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों एवं सदस्यों देशों ने नरेंद्र मोदी के साथ योग दिवस मनाने की उत्सुकता व्यक्त करते हुए ट्वीट किए। संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना मोहम्मद ने एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिला रही हैं। उन्होंने लिखा कि अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय नॉर्थ लॉन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक हैं। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। सलमान खान के शो में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी भी कंटेस्टेंट बनकर आई। अब देखते हैं समाचार खेल जगत। एशेज के बीच भी चर्चा में विराट कोहली का नाम नहीं, बाज आई इंग्लैंड की 12वीं आर्मी। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। जीएसटी में फर्जीवाड़े की घटनाओं ने बढ़ाई सरकार की सिरदर्दी है, अब इस कदम से लगेगी धोखाधड़ी पर लगाम। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। छोटेलाल भाई ने कहा कि तन का योग मन का राजयोग। सरकारी बसों में महिलाओं का हुजूम अत्यधिक। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने ब्रांड बनाने के लिए बेंगलुरु का दिमाग चुना। केंद्र द्वारा चावल देना बंद करने का दावा कर लोगों को गुमराह कर रही कांग्रेस। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या का बयान। कर्नाटक में सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, साधु घायल। भारत के लोग सामूहिक बल से हर चुनौती का हल निकाल लेते हैं, मन की बात में बोले पीएम। बुरके में परीक्षा देने की मनाही, कॉलेज प्रशासन पर छात्राओं ने लगाया आरोप। गृह मंत्री अली बोले होगी कार्रवाई। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।